Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Cooking with Mom। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आपका भाई आज फिर से हाजिर एक नई रेसिपी के साथ, जो है मटन मेथी कीमा की। ये बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी है, सच बोलूँ तो मेरी तो फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है ये खाना। ये चपाती के साथ और दाल चावल वगैरह के साथ बहुत अच्छी लगती है और ईजी टू मेक, बहुत जल्दी बन जाती है, तो ये आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर देखते हैं ये डिलीशियस सी मटन मेथी कीमा बनाने के लिए हमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कुकर ले लिया है, हम कुकर में इस डिश को बनाएंगे क्योंकि गोश्त को हमें गलाना होता है मटन को। तो इसमें हम जो है 3 चम्मच के करीब 3 टेबलस्पून इसमें हम कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और इसे जो है हम थोड़ा हल्का सा कुक कर लेंगे, लगभग थोड़ा लाल हो जाए इसे, तब तक कि हम मसाले को भूंज लेंगे। अब हमारे मसाले में हम हमारा मटन कीमा डाल लेंगे और इसे जो है लगभग हम 2-3 मिनट तक की मीडियम फ्लेम पे भूंजेंगे। अब इसमें जो है हम 1/3 कप जो है इसमें कुटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, मतलब पीसी हुई हल्की दरदरी। 1/3 कप आप समझिए 3 टेबलस्पून होता है। अब इसमें हम हरी मिर्ची डालने के बाद इसे हम अच्छे से चला लेंगे और इसमें हम 1 टीस्पून जो है हल्दी डाल लेंगे। और हल्दी डालने के बाद हम इसे जो है अच्छे से भूंज लेंगे लगभग 5-7 मिनट तक की, इसका जो गोश्त का पानी है वो सूख जाए और मसाला भून जाए, तब तक कि हम इसे अच्छे से भूंज लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और इस पर स्वाद अनुसार हम नमक डाल लेंगे। अब हम इसमें जो हमारी मेथी की भाजी डाल लेंगे। मेथी की भाजी को हमने उसकी जो पत्तियाँ होती है उसके डंटल से तोड़ के अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था। और इसकी क्वांटिटी जो है, ये एक जो गड्डी आती है मार्केट में हमें मिलती है, ये उतनी एक गड्डी की सारी पत्तियाँ है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी। मिक्स करने के बाद जो हम इसके अंदर 1/2 ग्लास जो है पानी डाल लेंगे और इसे हम ढक्कन लगा के कुकर का इसे 1 या 2 सीटी ले लेंगे ताकि हमारा जो गोश्त है अच्छे से गल जाए। तो यह हमारी सीटी हो चुकी है 2 सीटी और हमारा जो मेथी कीमा है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। इसमें हमने आलू भी मिलाया है, वो ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है, आपको पसंद है तो आप डालिए, वरना नहीं भी ठीक है। अब इसमें जो है हम इसमें 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर मिला लेंगे और 1/2 टीस्पून जो है इसके अंदर हम गरम मसाला मिला लेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद 2-5 मिनट तक के लिए हमें इसे और थोड़ा पका लेंगे ढक्कन खुला रख के, ताकि इसका जो पानी है वो सूख जाए। और उसके बाद हमारा मेथी कीमा सर्व करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, हमारे मेथी कीमा की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही डिलीशियस है, यकीन मानिए, और बनाना भी इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत जल्दी बन जाती है और आपके घर वाले इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे अगर आप बनाएंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अलग है, यूनिक फ्लेवर है, टेस्टी है, मुझे तो बहुत पसंद है, सच बोल रहा हूँ। मैं घर में जब भी बनती है तो मैं तो बहुत शौक से खाता हूँ। तो आप भी ट्राई कीजिए, बनाइए, आपके घर वाले भी शौक से खाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले रेसिपी व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।